So hi everyone. Yeah, so as I can see the latest trends, and most of you must be afraid about what ChatGPT, GPT-4, everything, and I think that must be creating some kind of insecurity that where it will lead to, what is going to be there. But I would like to say that over the time, technology has only bring in efficiency in the way humans operate, and human brains have evolved in a manner that they keep on innovating and moving ahead. So don't underestimate what we as a human can do, and you can always evolve upon what is there in the market. So earlier when computers was talked about, so it was thinking that it will remove lot of jobs and in the banks and all, but it didn't happen. The other way around happened, that more jobs were created, more industries came up, more things getting developed over the time. So I believe that in the future of work, it will be more dynamic, where people are doing the work of their choice, they are working from the place of choice, and they can they will not do the redundant work. So when the innovation happens, they don't have to do any kind of redundant work, and they can actually focus on the things that really matters, you know, like innovating, solving the problem in a more efficient manner that the technology cannot do. So I open now for the more thoughts on this. सभी को मेरा नमस्कार सर. जैसे कि देश के प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि इंडस्ट्री 4.0 में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा, यानी हम टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से अपने यहाँ इंक्रीज़ करेंगे. बट सर एक बात है, अगर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होगी तो बहुत सारे लोगों के सामने परेशानी जॉब्स की होगी, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? और सबसे बड़ी बात सर कि गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, हम स्टूडेंट्स से रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, धरातल पर हम कितना वर्क कर सकते हैं, इस बारे में कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद. तन्मय. या एज आई वाज सेइंग, जैसे मैं बता रहा था पहले भी कि टेक्नोलॉजी अगर आप देखें, जैसे कई चीजें आई, गाड़ी आई, पहले बहुत कुछ आया है ना, तो क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ी? पॉपुलेशन भी बढ़ी, जॉब भी बढ़ी, है ना. तो टेक्नोलॉजी आती रहेंगी. टेक्नोलॉजी इंसान इसलिए बनाता है कि अपनी रिडंडेंट काम को ख़त्म करने, सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए. बट वो टेक्नोलॉजी भी एक इंसान ही बनाता है ना. वो अपनी गाड़ी भी उसने खुद ही बनाई. आज कार कंपनियां कितनी जॉब क्रिएट करती हैं कंट्री में, राइट? कार कंपनी, बाइक कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. तो ऐसा नहीं था कि वो आते थे, लोग समझते यार जो बैलगाड़ी चलाने वाला था उसकी नौकरी चली जाएगी, है ना. तो ऐसा नहीं है कि बैलगाड़ी चलाने वाले की नौकरी जाती है. हर टेक्नोलॉजी नेगेटिव नहीं होती, ओवर द पीरियड ये अच्छा ही है. जैसा आपने बोला, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ नौकरियां भी आएंगी, जो और अपॉर्चुनिटी बनेंगी. हाँ, डिफरेंट टाइप की बढ़ेंगी. इंसान को समय के साथ अपडेट रहते रहना पड़ेगा, खुद को अपस्किल करता रहना पड़ेगा. बट टेक्नोलॉजी हमेशा नेगेटिव नहीं होता. टेक्नोलॉजी कई जगह, एक जगह से ख़त्म करता है तो दूसरी जगह क्रिएट भी करता है. तो हमें दूसरी टाइप के स्किल जल्दी से जल्दी सीख के आगे बढ़ता रहना पड़ेगा, और इसमें काफ़ी इंस्टीट्यूट वगैरह कंट्रीब्यूट करते रहेंगे अपस्किलिंग एंड ऑल.